ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, और बताओ, और कोई प्रश्न है? बताओ। हाँ, आत्मा जैसे आप और आपके बच्चे दोनों अलग है ना, आप ही बच्चे नहीं हैं। हाँ, आप भी बच्चा था पहले दूसरे पिताजी का, तो वो आपका बच्चा तो आपके शरीर का टुकड़ा है नहीं, आपका बच्चा। जैसे भगवान आत्मा, आत्मा भी आत्मा, ये दोनों बाप और बच्चे, उसको हमने बड़ा है इसलिए बाप कहा, दोनों आत्मा है। लेकिन एक आत्मा जनन मरण में आती है, वो आत्मा जनन मरण में नहीं आती है, उसकी सर्वशक्तियाँ ऐसी रहती है, हमारी शक्ति यूज करते हैं हम। उसके पास 1,00,000 रुपए था, वो ऐसे ही है, यूज नहीं करता है, क्योंकि जनन मरण में नहीं आता। हमको भी 1,00,000 था, हमने खाया पिया खत्म किया, तो अभी पैसे चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? उससे लेंगे, बाप के पास जाएंगे। तब कहा बाप को याद करो, समझा? दोनों आत्मा ही है, आत्मा और प्रकृति दो ही चीज है, प्रकृति माने शरीर और आत्मा, परमात्मा अलग नहीं। लेकिन परमात्मा क्यों कहा हमने? कि वो जनन मरण में नहीं आता है, अभोक्ता अजलमा, सदा उसकी शक्ति अपने पास ही रहती है, यूज नहीं करता है। जैसे आप भी कल, आज आप पिताजी है, कल आप भी बेटा था, है ना, आज आपके बेटे हैं, तो ऐसे वो नहीं, वो सदा किसी का बेटा नहीं बनता है, निराकार एक ही, हम जन्म लेते रहते हैं। समझ में आया? दोनों देखने में एक ही आत्मा है, इसलिए उसको परम आत्मा कहते हैं। आत्मा परम, परम माने श्रेष्ठ, इतना ही। आपके पिताजी को भी दो ही हाथ है, दो ही आंख है, चार हाथ तो नहीं, लेकिन आपने पिताजी क्यों कहा? आपके जैसे ही है, दोनों एक ही जैसे है। हाँ, हमसे बड़े इसलिए आपने कहा पिताजी, समझा? और मैं उनका बेटा हूं, इतना अंतर। लेकिन दोनों देखने में, दोनों को लगे पिताजी और बेटा दोनों एक जैसे ही है, पिताजी को चार हाथ तो नहीं है, दो ही है, दोनों आत्मा एक ही है देखने में, लेकिन वो सर्वशक्तियां है, इसमें शक्ति नहीं है, शक्ति खत्म हो गई। और बताओ। हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, यस सही है, यही यही मोक्ष माना, कि आत्मा दोबारा जनन मरण के चक्कर में नहीं आए। कैसे हो सकता है ये? अभी प्रश्न है, क्या आत्मा जनन मरण के चक्कर में न आए? ऐसा हो सकता है? मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा, उसकी तरीका बताओ। जैसे सीडी के अंदर गीत भरे हैं 5, अगर सीडी को टेप रिकॉर्डर में डालो तो आवाज आएगा, अगर उस 5 गीतों को मिटा दो आप, सीडी डालो आवाज आएगा नहीं, क्योंकि अंदर कुछ नहीं। तो आप भी अंदर जो भरा हुआ है वो सारा खाली करो, योग अग्नि से मिटाओ, तो दोबारा जन्म में आना नहीं पड़ेगा। अगर मिटाया नहीं तो आना पड़ेगा। समझ में आया? इसको कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब जो अंदर भरा हुआ पार्ट है आपका, वो सारा खाली करो, अच्छा बुरा सभी। लेकिन यहां इतना कहा जाता है कि बुराई तो मिटाओ कम से कम, अच्छा नहीं मिटा सको, बुराई तो मिटाओ, क्रोध को मिटाओ। तो मोक्ष चाहता मनुष्य, उसकी विधि, मोक्ष का अर्थ क्या है, विधि क्या है, कैसे होगा? ठीक है, हाँ मोक्ष इसको कहते हैं।